हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों अभी अभी एक बिग अपडेट आया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज मंडे को हेयरिंग चल रही थी और उस हेयरिंग का दोस्तों रिजल्ट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नीट एग्जामिनेशन को जो पोस्टपोन करने की याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को दोस्तों कैंसिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नीट एग्जामिनेशन को आगे के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। नीट एग्जाम दोस्तों जो है तय समय पर यानी 12 सितंबर को ही लिए जाएंगे और इसका एडमिट कार्ड 9 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ बच्चों की वजह से लाखों बच्चों का जो पेपर वैकेंसी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन बहुत सारे बच्चे देते हैं तो जो पिटिशनर हैं वो उसमें कम बच्चे शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहते हुए कि कम बच्चे की संख्या है तो कम बच्चों की वजह से सभी बच्चों का पेपर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है और बहुत कुछ अपडेट आने वाला दोस्तों। जैसे कुछ अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, और अभी मैं आपको और सारी अपडेट देने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।